कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश प्रेम का बर्तन। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यूहन्ना अध्याय 13:5। वर्षों पहले फिजिक्स के एक शिक्षक ने हमसे बिना मुड़े कक्षा की पीछे दीवार का रंग बताने को कहा। कोई पता नहीं पाया क्योंकि किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। कभी कभी हम बातों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम हर बात याद नहीं रख सकते और कई बार हम उस चीज़ को नहीं देख पाते जो वहाँ सदा से थी। यीशु का उनके चेलों के पैर धोने का वृत्तांत मैंने कई बार पढ़ा है, जिसमें हमारा उद्धारकर्ता और राजा अपने चेलों के पैर धोने के लिए झुकता है। उन दिनों इस काम को इतना तुच्छ समझा जाता था कि दासों से भी यह काम नहीं लिया जाता था। हाल ही में यह वृत्तांत एक बार फिर पढ़ने पर मैंने उस पर गौर किया, जिस पर आज तक मेरा ध्यान नहीं गया था कि यीशु ने जो मनुष्य और परमेश्वर दोनों थे यहूदा के पैर धोए। वह जानते हुए कि वह उन्हें धोखा देगा, जैसा हम यूहन्ना अध्याय 13:12 में देखते हैं। तो भी यीशु ने स्वयं को विनम्र किया और यहूदा के पैर धोए। पानी के बर्तन से प्रेम छलका, जिसे उन्होंने उन्हें धोखा देने वाले से भी बांटा। हमें भी उस विनम्रता का वरदान मिले ताकि यीशु के प्रेम को हम अपने मित्रों और किसी शत्रु से भी बांट सके। प्रेम के कारण यीशु ने अपने आप को विनम्र किया और अपने शिष्यों के पैर धोए। लेखिका एमी बाउचर पाई। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 29 मार्च 2018। धन्यवाद।